हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है पोर्ट्रोनिक्स डैश पोर्टेबल स्पीकर विथ कैराओके माइक, और मैंने इसको परचेस किया था अमेजोन से 6,000 रुपये में, बट अभी इसका प्राइस हो गया है 5,600 रुपये। तो क्या इस प्राइस में इसको लेना वर्थ या नहीं, और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर स्पीकर की डिज़ाइन बनी हुई मिल जाती है, और इसमें आपको 40 वॉट का आउटपुट मिलने वाला है। बाकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्पीकर रखा हुआ मिलता है, उसके बाद एक वायरलेस माइक मिल जाती है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी की है। उसके बाद यहाँ पर एक पाउच दिया गया है जिसके अंदर आपको रिमोट मिल जाता है, और इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक पावर अडेप्टर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बड़ी सी यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है, और इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको यूज़र मैनुअल पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर ऑक्स केबल मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी अब आते हैं स्पीकर की तरफ। तो कुछ इस तरह का स्पीकर मिल जाता है, और भाई बहुत बड़ा नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज़ का है, और यहाँ पर आपको हैंडल मिलती है तो इस सब इसको कैरी कर सकते हैं, मतलब उठाकर कहीं पर लेकर जा सकते हैं। और इसका वेट है 2.8 kg, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और पोर्टेबल कैटेगरी में आता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है इसकी। बाकी फ्रंट में मेटल की मेश मिल जाती है, और यहाँ पर प्रोटोनिक्स का लोगो है, और इसमें आपको RGB लाइट मिलती है जो कि बहुत ही मस्त लगती है। और इसमें आपको 5 इफेक्ट मिल जाते हैं, एक तो है इस तरह का, उसके बाद दूसरा है इस तरह का RGB इफेक्ट, उसके बाद तीसरा है कुछ इस तरह का, और चौथा है इस तरह का। बाकी जो पांचवा है वो है मेरा फेवरेट, और ये म्यूज़िक के साथ सिंक हो जाता है, और अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 4 फ्लैश लाइट मिल जाती है जो कि बहुत ही मस्त लगती है। ऊपर साइड में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंट्रोल बटन्स मिल जाती है, और यहाँ पर एक डिस्प्ले दी गई है जिससे इसको यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन मिल जाती है, उसके बाद इस बटन से आप लाइट इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और इसमें TWS कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है, तो अगर आपके पास 2 स्पीकर है तो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस बटन है जिससे आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू बटन है, और यहाँ से मोड को स्विच कर सकते हैं इस बटन से। बाकी सॉन्ग को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए यहाँ पर बटन दी गई है, और यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से माइक को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसको पूरा समझने के लिए आपको यूज़र मैनुअल पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मेन्यू बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 3 बार करेंगे तो यहाँ से बेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 4 बार करेंगे तो यहाँ से माइक के लेवल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यूज़र मैनुअल पढ़नी पड़ेगी। बाकी नीचे साइड में यहाँ पर ट्राइपॉड माउंट दिया गया है, तो इसको आप स्टैंड पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको 4 रबर की पैडिंग मिल जाती है, तो अगर आप सरफेस पर रखते हैं तो ये हिलेगा नहीं। और इस साइड में यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि पावर पोर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक माइक लगा सकते हैं, और यहाँ पर ऑक्स पोर्ट हो गया, उसके बाद USB पोर्ट दिया गया है जिसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें वायरलेस माइक का सपोर्ट तो दिया ही गया है, साथ ही साथ आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं इसमें, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। बाकी इसमें TWS कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है, तो आपके पास 2 स्पीकर हैं तो आप दोनों को एक साथ प्ले कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें FM रेडियो मिल जाता है, और यहाँ पर आपको माइक दी गई है जिससे आप सॉन्ग वगैरह गा सकते हैं, और अगर आपके पास हुनर है तो आप महफिल जमा सकते हैं। और एक और फीचर यहाँ पर कमाल का मिल जाता है, अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भी पॉसिबल है इसमें, और इसकी माइक की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर आपको इको का ऑप्शन भी दिया गया है। हेलो, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इको इफेक्ट मिल जाता है। बाकी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और भाई माइक की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। तो अभी देख सकते हैं बहुत ज्यादा इको है, तो यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ। हेलो 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 हेलो, तो अभी देख सकते हैं इको बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये मुझे काफी सही लगा। बाकी मजा तो इको के साथ ही आता है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तो कुछ इस तरह से आप सॉन्ग वगैरह गा सकते हैं इसमें, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, और क्वालिटी काफी जबरदस्त है। चलो बात करते हैं इस स्पीकर के साउंड क्वालिटी की। तो इसमें लगा हुआ है 6.5 इंच का स्पीकर, और 1.5 इंच का ट्विटर मिल जाता है जो कि ट्रेवल के लिए होता है। और भाई इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कंपनी कहती है कि इसमें 40 वॉट का आउटपुट है, बट भाई इसकी लाउडनेस उससे भी ज़्यादा लगी मुझे। और मैंने इसको बड़े से रूम में यूज़ किया, और इसकी जो लाउडनेस थी वो इनफ थी। बाकी मैंने इसको आउटर में भी यूज़ किया, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ मिल जाती है इसमें। मतलब अगर आपको छोटी मोटी पिकनिक पर जाना है तो वहाँ पर आप पार्टी कर सकते हैं इस स्पीकर के ज़रिए।
और बेस की बात करें तो बेस आपको अच्छी मिलती है, बट एक कमी है यहाँ पर, अगर आप इसको धीमी आवाज़ पे सुनते हैं तो वहाँ पर आपको बेस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और इसको लाउड करते हैं तो वहाँ पर बेस काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। उसके बाद ट्रेबल काफ़ी अच्छे मिलते हैं और वोकल्स काफ़ी क्लियर और शार्प हैं। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर सुना तो वहाँ पर भी जीरो डिस्टॉर्शन मिला मुझे, तो साउंड क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसकी कोई भी कमी नहीं लगी मुझे इसमें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सैंपल सुनाता हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और इसमें आप साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि बेस और ट्रेबल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको छोटी मोटी पार्टी करना है या फिर पिकनिक पे जाना है तो इसको लेकर जा सकते हैं, और ये पोर्टेबल है तो इसको कैरी करना काफ़ी इजी हो जाता है। बाकी रही बात बैटरी की, तो इसमें 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है और बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका, मतलब यहाँ पर आपको 6 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप इसको 60% वॉल्यूम पर सुनते हैं। बाकी अगर आप इसको लाउड करते हैं तो वहाँ पर आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा इसमें, और इसको चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका। और इसके USB के थ्रू आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और एज ए पावर बैंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी सही फीचर है। तो भाई प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और अगर आप लोगों को छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पीकर चाहिए तो इसको ले सकते हैं। और इसकी जो माइक है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है। और कमी की बात करें तो इसमें एक ही कमी है, अगर आप इसको धीमी आवाज़ पर सुनते हैं तो वहाँ पर आपको बेस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, यही इसमें एक कमी है। और दूसरी कमी की बात करें तो भाई इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये इसमें 2 कमी है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोगों को ये स्पीकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को किसी और स्पीकर के बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए परचेस करके उसका वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।